इतने दिनों से तुझे बुला रहा हूँ, तू आ जाइए। अब वो आपको नहीं पता पुप्पो का, वो कितना चिढ़ती है जब मैं यहाँ पर आती हूँ। अब मेरा अपना घर है, मुझे वहाँ भी देखना होता है। अब मैं आपकी खातिर रोज रोज यहाँ आकर तो नहीं बैठ सकती। ठीक है बेटी, को क्या है, मुझे डॉक्टर पे ले जाए। कह दूंगी, जब उनके पास वक्त होगा ले जाएंगे आप। मैं अपना काम पे भी नहीं जा सकता, न दुकानों को देख पा, न बिजनेस संभाल पा रहा हूँ। मैंने सोचा ये घर का जो पिछला हिस्सा है ना, इसके किराए पे दे देता हूँ, आमदन हो जाएगी, मेरी गुजर औकात हो जाए। ये क्या कह रहे हैं आप, जुहेब को पता चल गया ना बहुत गुस्सा करेंगे वो। वो क्यों गुस्सा करेंगे, मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूँ मैं। अब्बो, ये घर आपके नाम से जुहेब के नाम ट्रांसफर हो चुका है, और जुहेब कारोबार करना चाहते हैं इस घर को बेचकर। मेरा घर, मैं इसे तुम्हारे शौहर को हर किसी नहीं बेचने दूंगा, वो क्यों बेचेगा मेरा घर? मेरा घर, ये क्या लगा रखा है आपने? आप भूल गए ये घर बड़े अब्बू का था, और आपने धोखे से इशाल से ना ये लेकर अपने नाम करवा लिया। आपकी उम्र ही कितनी रह गई है, कल को भी तो ये चीजें मेरे नाम होनी थी ना, मैंने आज करवा ली, आप बिला वजह तमाशा कर रहे हैं। और पता है मुझे घर जाना चाहिए, जुहेब के आने का वक्त हो गया, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती, फिर चक्कर लगाऊंगी मैं। भाई मेरी इशार से एक मरतबा बात करा दो, मुझे तो आज ही पता चला कि वो अपने शौहर के साथ दुबई शिफ्ट हो गई, मुझे उसका नंबर ही दे दो भाई। अल्लाह से डरे चाचू, आपने मुझ यतीम का हक खाया है, ये गुना आपकी दुनिया और आखिर दोनों बर्बाद कर देगा। जो लोग यतीमों का हक खाते हैं ना, वो जहन्नुम की आग में जलते हैं। यहां तो मैं बेबस हूं, आखिरत में मैं बेबस नहीं होंगी, वहां पर आप मेरा हक छीन कर नहीं खा सकते, आपको जर्रे जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। इशार, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे इशार, मुझे माफ कर दे।